वो सीख करके अपना अच्छी तरीके से अपना काम करने के लिए उन्होंने सोचा हुआ है। अच्छा, मेरा वीडियो में आपका मिलाने का सर सबसे बड़ा एक पर्पज ये है कि मैं चाहता हूँ कि सर आप ही जैसे और भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम दुनिया में ऐसा नहीं कि खत्म हो जाती है, प्रॉब्लम सिर्फ क्या हो जाती है, अपना रूप चेंज कर देती है, तरीका बदल देती है, मतलब वो प्रॉब्लम यहाँ से उठ करके दूसरी जगह चली गई। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आपके घर में, मैं कहता हूँ कि आपके घर में मान लिया कोई चीज टूटा हुआ है, दीवार का ये कोना टूटा हुआ है, तो आपने क्या किया, दूसरे कोने से निकाल करके लाया, इस कोने पर लगा दिया, तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, अब वहां पर खराब हो गया। तो अगर हम ऐसे ठीक करते रहेंगे तो ऐसे हमारे लाइफ में नहीं ठीक हो सकती, लेकिन हमको उसको परमानेंट सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो आज आप जैसे सर मेरे साथ वीडियो में आ गए हैं, या और भी लोग जो मेरे साथ में वीडियो में ज्वाइन हो जाते हैं, तो उनको वीडियो को बना करके डालता हूँ ताकि लोगों को लाइव पता चले कि वो रियलिटी क्या होती है, किस तरीके से बच्चे सीख करके अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि मेरे साथ में जो और भी लोग वीडियो देख रहे हैं ताकि उनको पता चले, और आपने ट्रेनिंग सेंटर को कैसे ज्वाइन किया, किस तरीके से आपने सीखना स्टार्ट किया, इन सब चीज़ों के बारे में बताइए, और आपका नाम क्या है बताइए। जी सर, मेरा नाम अब्दुल कलाम है, मैं MP का रहने वाला हूँ, और मैंने एक सर का यूट्यूब देखा था, यूट्यूब के माध्यम से मैं यहाँ पे आया हूँ, और मेरे मन में इनका वीडियो देखा तो मेरे मन में उत्साहित हुआ सीखने का कि कुछ करके दिखाओ, तो इसलिए मैंने सर से बात किया, फिर यहाँ तक पहुँच गए। और सर से मेरी बात समथिंग एक साल पहले से हो रही ना? जी सर, एक साल पहले हुआ था, फिर आ गया, पैसा इकट्ठा किया, फिर इसके बाद फिर आया। तो सर ने मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स सीखने के लिए समझ लीजिए पैसा इकट्ठा किया, क्योंकि सर ने बोला था कि मेरे पास सर पैसा नहीं है, मैं पहले कहीं नौकरी करने जा रहा हूँ, और दूसरी बात क्या है कि उन्होंने सबसे पहली बात क्या है, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने नौकरी करने का जो जगह चुना वो भी कानपुर चुना, उन्होंने नौकरी भी एक साल उन्होंने नौकरी कानपुर में ही किया, और कानपुर में करने के बाद फिर मिलने आए मुझसे, मिलने के बाद फिर उन्होंने आज ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया है, और मेरे पास सर का पूरा 45 दिन समय होने वाला है, आज इनका सर का पहला दिन है, और बाकी मैं आगे वीडियो में भी सर के बारे में डालूंगा, आज इनके बारे में इन्होंने सीखना स्टार्ट किया है। सबसे पहली बात क्या है कि मैंने आपको बताया कि सर के लाइफ में भी बहुत सारी परेशानी आई, सर आप थोड़ा सा परेशानी के बारे में अपने बारे में बताइए लोगों को कि बहुत परेशानी आई, परेशानी के बाद में फिर उन्होंने सोचा कि आखिर मैं नौकरी कब तक करता रहूंगा, और नौकरी से मेरी लाइफ का कैसे स्ट्रगल होगा, तो मैं क्यों ना एक बार जिंदगी में मेहनत करके एक बार ऐसा काम सीख लेता हूँ कि अपना काम करूँ, ना कि हमको जिंदगी में कभी नौकरी करनी पड़े। सर जी सर, परेशानी तो बहुत आया था, और मेरे पिताजी करते हैं सिलाई का काम, वो भी सीखा तो अभी अधूरा करके छोड़ दिया, तो फिर मैं सोचा मोबाइल रिपेयरिंग सबसे अच्छा फील्ड है, इसमें कहा जाए, इसलिए मैं यहाँ। और इन्होंने इसलिए सोचा क्योंकि एक इनका दोस्त था, वो मोबाइल फ़ोन में लॉक खुलवाने के लिए आया था, मार्केट में समझ लो जिसने लॉक खोलने का 400 रुपये ले लिया, जिसका वो अपना जानने वाला था, लेकिन उसका कोई पैसा नहीं लगा, मतलब ऐसे ही लॉक खुल जाता, लेकिन लोग इतना पैसा ले लिया, तो सर ने सोचा कि यार जब इस फील्ड में इतना अच्छा इनकम है, और ऐसा नहीं कि मेरे हाथ में कोई हुनर नहीं है, और सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि सर का एक बेहद इंटरेस्ट भी है, एक ये इंटरेस्ट है टेक्निकल चीज़ों में, इतना इंटरेस्ट है कि ऐसा लगता है कि मैं इस लाइन में पूरा दिन काम करता रहूँ लेकिन तभी मेरा मन नहीं भरने वाला है। तो इन्होंने सर ने अपना एक साल काम किया, एक साल काम करने के बाद आज मेरे पास ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया हुआ है, तो आप लोगों से मैं मिलाया है, तो सर के लिए बहुत सारी विशेष हैं। और सर आप इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि आप मेरे पास जब सीखने के लिए आए तो आपको कैसा लगा, माहौल कैसा लगा, और आपने क्यों ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया? जी सर, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, हमको अच्छा लगा इसलिए आए, क्योंकि यहाँ का सिखाने का तरीका, बताने का, हर एक चीज सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल करवाया जाता है, इसलिए मैं आया। तो सर ने जब मेरे पास एक दिन जब मिलने आए थे तो उन्होंने बोला था कि सर मैं पहले एक दिन देखूंगा कि कैसे क्लासेस होती हैं, तो सर ने पूरा क्लास देखा, सब बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे थे, सीख रहे थे, तो उनको सीख करके कह रहे थे, मेरा खुद ऐसा मन कर रहा था कि मैं भी काम करूं, लेकिन बस यही था कि पैसों का अभाव था, कि चलिए ठीक है जब इकट्ठा हो जाएगा तो फिर करेंगे। तो आज सर ने समथिंग एक साल नौकरी करी है, एक साल नौकरी करने के बाद अब इतना अपने पास अर्निंग इकट्ठा कर लिया है कि अपना सीख करके बढ़िया बेहतर तरीके से अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का शॉप खोलेंगे, अपने एरिए में काम करेंगे, और उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। MP से रहने वाले हैं, MP में कहाँ पर पड़ता है तुम्हारा? MP सिंगरौली जिला। MP सिंगरौली जिला में पड़ता है, और 3-4 साल हो गए इनको नौकरी करने करते, कभी नौकरी करते थे, आते थे, जाते थे, चले जाते थे, और 3 साल के बाद उन्होंने सोचा कि लाइफ में ऐसा कब तक होता रहेगा, और इनके यहाँ के कम से कम 30 से 35 लोग करते हैं। नहीं जी, हमारे एरिया का MP के 35 लोग यहाँ पे हैं, वो भी नौकरी करते आते हैं जाते हैं। हाँ, तो आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, तो ऐसे लाइफ तो नहीं होने वाली, अगर हमारे हाथ में हुनर आ जाएगा
तो हम अपने लोकल में रह कर के ही अच्छी तरीके से काम करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मैंने सर से मिलाया, अब आगे का सबका क्लास होने वाला है। अगर आप भी इसी तरीके से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग सेंटर को विजिट कर सकते हैं और नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6391711711 6391211211। सर मैंने इस लाइन में 17 साल मैंने ट्रेनिंग कराया है और आगे भी लगातार मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चे आए और सफलतापूर्वक सीख करके जाएँ। सर हमारे यहाँ का सिखाने का सही इको सिस्टम ही इतना अच्छा है कि मैंने अपने लाइफ में इतनी सारी चीज़ों को सीखा हुआ है, उन सब चीज़ों को सीखने के बाद एक ऐसा इको सिस्टम बिल्ड किया है कि हमारे यहाँ पर हमें सब कुछ सीखने के साथ साथ हमारे जितने सारे स्टूडेंट हैं, कॉपरेट के सारे स्टाफ हैं, ये जितने सारे लोग हैं, सब लोग मिलकर के बच्चों को सिखाते हैं। ताकि मेरे यहाँ पर सबसे पहली बात क्या है कि मैंने क्लास में ऐसा सिस्टम बना रखा है, हॉस्टल में रहने के लिए बच्चों को बना रखा है, और हॉस्टल में रहने के साथ साथ बच्चों जो बच्चा है तो जो बैच में लेकर के चलता हूँ वो एक महीने के अंदर 2 बैच लेकर के चलता हूँ, 2 बैच, जो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 बैच में से एक बैच जो होता है ये फर्स्ट बैच होता है, उसके बाद दूसरा बैच जो होता है ये सेकंड बैच होता है। मैंने आपको बताया जिंदगी में कभी ऐसा नहीं कि आदमी इंसान किसी एक ही के माध्यम से सीखता है, इंसान दसियों चीज़ों के माध्यम से सीखता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपका पेट भूखा है तो ज़रूरी नहीं कि आप किसी एक ही होटल में जाकर खाना खा लें, कहीं दूसरी जगह खा लेंगे, उससे भी कहीं दूसरी जगह खा लेंगे, उससे भी कहीं दूसरी जगह खा लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आदमी अपना सडनली चेंज होता रहता है और बदलाव होता रहता है, और परिवर्तन तो है ही कि भाई दुनिया में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तो उसका कोई लॉजिकली नहीं है। तो हम लोग पहला फर्स्ट बैच स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड बैच स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट बैच और सेकंड बैच में 15 डेज का अंतर होता है, 15 दिन का अंतर होता है। अब 15-15 दिन का बैच का अंतराल लगते हैं, वो हमारा एक लॉजिकली साइकोलॉजी ऐसा हमने सिस्टम बना रखा है कि जो पहला बैच स्टार्ट होता है तो पहला बैच कम से कम 15 से 20 दिन सीख चुका होता है, जिसको अच्छी नॉलेज होती है। उसके बाद जब दूसरा बैच स्टार्ट होता है तो ये बैच फ्रेशर होता है। हम लोग जब इनको क्लास कराते हैं तो क्लास कराने के साथ साथ जब ये 15 दिन क्लास कर चुके होते हैं तो ये वाले जब बच्चे क्लास करते हैं तो इनको भी जब 15 दिन होता है तो इस वाले को 30 दिन हो जाता है। अगर आप राउंड फिगर में देखेंगे तो इसको 15 दिन हुआ, ये बिल्कुल जीरो था। जैसे ही इसको 15 दिन होता है, अगर मान लिया इसको फ्रेशर को जब 15 दिन होता है तो इसको कितना हो जाता है? 30 दिन हो जाता है। जब फ्रेशर को 30 दिन होता है तो इसको 45 दिन हो जाता है। अब सर ऐसा सिस्टम मैंने इसलिए बिल्ड किया है ताकि हमारे यहाँ पर क्या होता है, हम तो बच्चों को सिखाते सिखाते हैं, सर भी सिखाते हैं, फिर बच्चे भी एक दूसरे को सिखाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने सारे बच्चे जो सीखने आते हैं, कोई छोटा बच्चा नहीं है, कोई छोटा कोई पिल्लूला नहीं है कि अब बैठा हुआ है रोबोट की तरह बैठा अपनी मर्जी से काम कर रहा है। वो अपनी परेशानी को दूसरे के साथ में शेयर कर रहा है। जैसे कि आज का मैं एक वाक्य बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्लास में ऐसा हुआ कि एक हमारे क्लास में एक बच्चा बैठा था, वो मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर डाल रहा था, लॉक खोल रहा था। तो लॉक खोलते समय उसको 2 बार 3 बार 4 बार लॉक खोलने के ट्राई किया, लेकिन मोबाइल फ़ोन में लॉक नहीं खोल पाया। उसी समय में जो दूसरा बच्चा बैठा हुआ था उसने फट से मोबाइल फ़ोन की उसके सामने कनेक्टिविटी कराई, और कनेक्टिविटी कराने के बाद उसके सामने मोबाइल फ़ोन को लॉक खोलकर उसी से खुलवाया, अपना नहीं खोला, उसी से लॉक खुलवाया। जब उसी से लॉक खुलवाया तो वहाँ पर लॉक खोलते समय मैंने वहाँ पर 3 बातों का अनुभव किया। एक तो सबसे पहली बात का अनुभव मैंने ये किया कि जो मेरा जूनियर बच्चा था वो काम नहीं कर पा रहा था तो मेरे सीनियर बच्चे ने उससे काम करा दिया। तो जब सीनियर बच्चे ने काम करा दिया तो मुझको खुद को दिल से खुशी हुई कि मैंने उसको अच्छा काम सिखाया, अच्छा काम सिखाने की वजह से ही उसने उसको काम कराया। जो दूसरा बच्चा था वो छोटा, मतलब जो फ्रेशर था, छोटा तो नहीं कह सकते, फ्रेशर कह सकते हैं, तो फ्रेशर बच्चा था उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि मेरा जो सीनियर स्टूडेंट है उसने हमको काम कराया और हमने उनको भी सिखाया। अब ऐसा नहीं कि जो जूनियर होते उसको हम सिखाते नहीं, उसका भी बैच चलता है, क्योंकि हम लोग जो क्लास कराते हैं वो टोटल 8 घंटे क्लास कराते हैं। 8 घंटे क्लास को भी 4 घंटे डिवाइड हो जाता है, 4 घंटे क्लास बच्चा पहले करता है, फिर 4 घंटे क्लास बच्चा बाद में करता है। सबसे पहले सीनियर बच्चा सीखता है, फिर 4 घंटे जूनियर बच्चा सीखता है। तो 8 बजे से लेकर हम लोग 12 बजे तक क्लास कराते हैं, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6। तो इस तरीके से हम लोग क्लास का सिस्टम बिल्ड कर रखा है कि हमारे साथ साथ, हम अकेले ही ट्रेनर नहीं है, हमारे साथ यहाँ पर जितने 40-50 बच्चे हैं वो सब ट्रेनर हैं। तो आप जब मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आएंगे, आप जब मेरे पास सीखने के लिए आएंगे तो आप कभी भी फ्री नहीं रहने वाले। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको ना समझ में आए, ऐसा कोई काम नहीं है जो आप ना कर पाएं।
आप तो सीखेंगे सीखेंगे और हम सब मिल करके आपको सिखाएंगे ताकि आप एक अच्छी तरीके से काम कर पाए। और हमारे सारे बच्चे एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, जो सारे बच्चे जो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं तो उनके लिए हम दिल से थैंक्स करना चाहते हैं ताकि वो इसी तरीके से काम करते रहें। और जिंदगी में एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर आप जिंदगी में किसी की मदद नहीं करोगे तो कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। अगर तुम किसी की मदद करोगे तो तुमको किसी की मदद मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मदद करने वाला ऊपर वाला सामने आगे खड़ा मिलेगा और आपके पहले से वो मदद करेगा ताकि आप मजबूती के साथ में अच्छी तरीके से काम कर सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को लंबा न करते हुए हम लोग आपसे अलविदा लेते हैं। और आप इन सब चीज़ों के बारे में जो मैंने सिखाया है आप उन सब चीज़ों के बारे में सीखें समझें, उनको अच्छे से नोट करें और ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करने से पहले एक बार कॉल जरूर करें, फ़ोन करें, मैसेज करें, वीडियो कॉल से माध्यम से आप क्लास देखें कि कैसे क्लासेस हो रही हैं, किस तरीके से बच्चे लोग सीख रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें ताकि नया नया वीडियो जो हम आपको डालते हैं वो आपके वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।